हाय गाइज, मेरा नाम संजीव है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैनिक अटैक। गाइज, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हो। दोस्तों, एडिटिंग में तो वैसे बहुत कुछ आ जाता है और मैं आपको इस वीडियो में कितना भी सिखा दूं वो कम है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक एडिटिंग सिखाऊंगा, जिसे सीखने के बाद आप खुद ब खुद एडिटिंग सीख जाओगे। दोस्तों, आप जितने अच्छे से अपनी वीडियो को एडिट करते हो उतने अच्छे आपकी वीडियो की क्वालिटी होती है और ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका चैनल जल्दी ग्रो कर जाए। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक एडिटिंग सिखाऊंगा, जिसे सीखने के बाद दोस्तों आगे की एडिटिंग आप खुद सीख जाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों, वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन पे आ जाना है। और दोस्तों, मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं मैंने इसी एप्लीकेशन से एडिट कर रखी है। तो न्यू वीडियो एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद यूट्यूब की वीडियो एडिट करने के लिए आपको 16:9 पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर अपनी वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसे आप एडिट करने वाले हो। तो मैं अभी यहाँ पर कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ जिससे मैं आपको बता सकूँ कि आप कैसे एडिट कर सकते हो। सो गाइज, मैंने यहाँ पर एक वीडियो ले ली है जिसे एडिट करके मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोई वीडियो में जो कोई वेस्ट पार्ट होता है जिसे आपको काटना होता है, वो आप कैसे काट सकते हो। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को मैं ओपन करता हूँ। सही है, स्टार्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो ये पार्ट है जिसे मुझे काटना है, तो सिंपली मैं इस वीडियो पर क्लिक करूँगा। इसके बाद सीजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा ट्रिम टू लेफ्ट का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में था जो ये कट के हट चुका है। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपका राइट साइड में होगा तो सिंपली आपको, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आपको राइट साइड का यहाँ पे काटना है आपको कुछ पार्ट, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपल आपको उसी वीडियो पे क्लिक करना है, इसके बाद सीजर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखा है ट्रिम टू राइट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस साइड का जो पार्ट्स है कट के हट जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो के बीच के किसी पार्ट को काटना है तो सिंपली आपको उस वीडियो पे आने के बाद दोस्तों, आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपको कितना पार्ट जो है आपको स्टार्टिंग का चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको जो वेस्ट पार्ट लग रहा है सिंपली आपको इस वीडियो पे क्लिक कर देना है। सीधे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, आपको आगे बढ़ जाना है। सपोज़ मानो कि आपका जो इतना पार्ट है वो है वेस्ट पार्ट, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सीधे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा ट्रिम टू लेफ्ट का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये जो है बीच का पार्ट जो है कट के हट चुका है। अब दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किसी वेस्ट पार्ट को काटना है तो आप कैसे काट सकते हो, चाहे वो बीच का हो या साइड का हो। और दोस्तों, मान लो कि आपको वीडियो में कोई और वीडियो ऐड करना है बीच में, तो दोस्तों सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पर आ जाना है। इसके बाद दोस्तों, वापस यहाँ पर आपको नीचे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मीडिया का, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों, आपको बीच में जो भी वीडियो सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट करके इसमें यहाँ पर लगा सकते हो आप बीच में। तो दोस्तों, अगर आपको कोई वीडियो एडिट नहीं करना है, सिंपल आप इसमें एम्बिनेशन कोई लगाना चाहते हो, तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे एम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे जो एक वीडियो को दूसरे वीडियो से जोड़ेगा। सिंपल आपको मैं एक दो दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हो, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये जो एम्बिनेशन है मैंने अभी लगाया था, इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पे एम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली मैं हटा देता हूँ इसे। दोस्तों, वीडियो के बीच में अगर आपको कोई फोटो या फिर कुछ स्टिकर वगैरह लगाना है तो सिंपल आपको यहाँ पर एक लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको मीडिया पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से सिंपली आपको फोटो या स्टिकर जो भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको एक मैं फ़ोटो लेकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि ये मेरे चैनल का लोगो है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर मैं आपको इसे बीच में लगाना चाहूँगा तो सिंपल यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया तो ये सिर्फ दोस्तों यहीं पर आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस वीडियो को प्ले कर दिया है, सबसे पहले आपको आ जाना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, जहाँ तक मैंने इसे लगाया था उसे आप दोस्तों इसके जो है लेंथ को आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, और साथ ही दोस्तों इसमें एम्बिनेशन भी लगा सकते हो। एम्बिनेशन मतलब दोस्तों, जैसे कि इसका जब ये आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, साथ ही दोस्तों इसका इन एम्बिनेशन और आउट एम्बिनेशन भी आप लगा सकते हो। और दोस्तों, अगर आप वीडियो में कुछ लिखना चाहते हो सिंपल आपको लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब, यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों, आपको अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया है। यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सिंपल आपको इसके साइज़ को इनक्रीज़ कर देना है जितना आपको चाहिए। इसके बाद दोस्तों, इसका आप कलर भी चेंज करते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको कलर देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। तो सिंपल मैं इसे जैसे कि येलो कर देता हूँ,
तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और साथ ही दोस्तों इसमें आप एम्बिनेशन भी लगा सकते हो, जैसे आपने उस फोटो में लगाया, तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक एम्बिनेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो में कोई बैकग्राउंड साउंड लगाना है तो सिंपली आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है कि किस फोल्डर में आपकी वीडियो है। यहाँ पर मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डाउनलोड पे और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो मेरे सॉन्ग हैं मैंने डाउनलोड करके रख रखे हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके सिंपल आप यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करोगे तो ये जो सॉन्ग है यहाँ पर आ चुका है। सिंपल मैं राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस साउंड के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। सिंपल आपको साउंड पर क्लिक कर देना है, स्पीकर पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे कि यह 100 पे है, इसे मैं कम कर देता हूँ, इसे मैंने 7 पे कर दिया, 13 पे कर दिया, तो सिंपल दोस्तों इसका जो है सॉन्ग जो है कम हो चुका है। हाय गाइस, मेरा नाम संजीव है और बैकग्राउंड म्यूजिक लग चुकी है। तो दोस्तों अब किसी वीडियो में अगर आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हो तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा चांस आ जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हो। जैसे दोस्तों मैंने साउंड का बताया कि आप इसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, सेम दोस्तों आप वीडियो के भी वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो। सिंपल आपको वीडियो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको स्पीकर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप दोस्तों इसको ज़्यादा भी कर सकते हो और इसे कम भी कर सकते हो। इतना करने के बाद दोस्तों अगर आपकी वीडियो एडिट हो जाती है तो सिंपल आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि आपको कितनी क्वालिटी में इस वीडियो को सेव करना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ QHD में, यानी कि 1440 पिक्सल में, और सिंपली मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है एक्सपोर्ट होने चालू हो गई है, कुछ टाइम बाद ये मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी। आई होप गाइस आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती रहती है। चलो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।